प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से राजा सुलेमान की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको पहले और दूसरे राजाओं की पुस्तक में मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि राजा सुलेमान दाऊद और बैतशबा का दूसरा पुत्र था। राजा दाऊद की मृत्यु के पश्चात राजा सुलेमान ने ही राज्य को संभाला था। जब राजा दाऊद के मृत्यु का समय निकट था, तब उन्होंने अपने पुत्र सुलेमान को परमेश्वर यहोवा के सच्चे मार्ग पर चलने की शिक्षा दी कि वह सदा यहोवा के बताए मार्ग पर और उसकी आज्ञाओं पर चलते रहे। तब सुलेमान वैसे ही अपने राज्यकाल में चला भी। वह यहोवा की आज्ञाओं को मानने वाला तथा उस पर चलने वाला एक पुरुष था। बाइबल के अनुसार सुलेमान सबसे अधिक बुद्धिमान राजा था इज़राइल का। राजा सुलेमान ने अपने राज्यकाल में बहुत से युद्ध जीते तथा वह विजयी भी हुआ। राजा सुलेमान के पास एक विशाल सेना भी थी, अर्थात वह बहुत ही धनी भी था। तब राजा सुलेमान ने यहोवा से प्रेम रखते हुए यहोवा की उपासना की और उसकी आज्ञाओं पर चलते हुए अपना जीवन बिताया। तब एक दिन जब राजा सुलेमान रात के समय सो रहा था, तब उसको यहोवा परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझको दूँ, वह तू मुझसे मांग। तब जब राजा सुलेमान से परमेश्वर ने वरदान मांगने को कहा, तब राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि तथा विवेक का वरदान मांगा और कहा कि जिससे मैं तेरे कार्यों को भली प्रकार कर सकूं और जिस सिंहासन पर बैठाया है तूने मुझे, वहां बैठकर बुद्धि के साथ राज्यकाल के विषय न्याय कर सकूं। इस पर यहोवा ने उससे प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया। यहोवा उससे प्रसन्न हुए और कहा कि तूने उत्तम वरदान मांगा है, तूने कोई धन संपत्ति नहीं मांगी। और यहोवा ने उसे संसार का सबसे बुद्धिमान पुरुष होने का वरदान दिया। और परमेश्वर ने उससे यह भी कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का सदा पालन करोगे, मेरे राज्य में वफादार बने रहोगे, तो यह वरदान तुझ में बना रहेगा और तुम्हारी धन संपत्ति भी कभी समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार का आशीष वरदान यहोवा परमेश्वर ने राजा सुलेमान को दिया। और फिर राजा सुलेमान अपनी बुद्धि के कारण प्रसिद्ध होता चला गया। कई राज्य राज्य के लोग फिर राजा सुलेमान के पास अपने लिए सलाह मांगने आते थे और राजा सुलेमान भी अपनी बुद्धि की ही सहायता से सबके मसलों का समाधान करते, उनका न्याय करते थे तथा अपने राज्य में प्रसिद्ध होते चले गए। राजा सुलेमान अपने राज्यकाल का सबसे बुद्धिमान राजा बना। उसने अपने राज्यकाल में अपनी बुद्धि के ही आधार पर बाइबल की पुस्तक में स्थापित नीति वचन, जो बुद्धि के विषय सिखाते हैं, वह भी लिखे, जहाँ स्पष्ट रूप से यह मेंशन है कि राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान के नीति वचन। तो नीति वचन भी सुलेमान की बुद्धि के आधार पर ही लिखे गए हैं। और राजा सुलेमान ने अपने राज्यकाल में यहोवा परमेश्वर का एक भव्य मंदिर भी बनवाया, जिसका वर्णन पहले राजाओं के 5वें अध्याय से शुरू हो जाता है कि किस प्रकार राजा सुलेमान ने एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। उसने समस्त राष्ट्र से उस मंदिर के निर्माण के लिए कारीगरों को बुलवाया और उन्होंने मंदिर की मीनारों पर इसराइल का इतिहास भी रचा। इस प्रकार वह 7 वर्षों में सुलेमान के भव्य मंदिर का निर्माण करते रहे और उसने एक भव्य मंदिर उन 7 वर्षों के पश्चात बना दिया। हालेलुया। तब एक दिन राजा फिरौन की बेटी शीबा सुलेमान से मिलने आई, क्योंकि उसने भी राजा सुलेमान की कीर्ति के विषय सुन रखा था। तब राजा सुलेमान तथा शीबा रानी में प्रेम संबंध स्थापित होते गए। तब राजा सुलेमान ने शीबा रानी से विवाह भी कर लिया। तब वह राजा फिरौन का दामाद बन गया। वह स्त्री शीबा इजरायली नहीं थी, अर्थात शीबा रानी अन्य जाति की स्त्री थी। शीबा ने भी राजा सुलेमान से राजाओं में संधि बनी रहे इस कारण विवाह कर लिया।
क्योंकि राजा सुलेमान की कीर्ति विद्यमान थी दूर दूर तक। तब रानी शीबा वहां अपने साथ अपने बाल देवताओं की मूर्तियां भी ले आई, जिसकी वह उपासना किया करती थी। यहां एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजा सुलेमान ने कई शादियां की थी। बाइबल के इतिहास में राजा सुलेमान की 700 पत्नियों का नाम दर्शाया गया है और उसकी सभी पत्नियां अन्य जातियों की ही थी। इसी कारण सुलेमान ने अपनी पत्नियों के लिए उनके देवताओं की मूर्तियों के लिए मंदिर बनवाए। तब उसकी सभी पत्नियां अपने देवताओं की ही आराधना किया करती थी। तब इसराइल में यहोवा के विरुद्ध मूर्ति पूजा शुरू होने लगी और राजा सुलेमान अपनी पत्नियों से प्रेम विवाह के कारण राज्य के और परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय फिर नहीं सोचते थे और वह अपनी पत्नियों के देवताओं को के लिए भी मंदिर बनवाने में जुटे रहे। तब उसने मंदिरों के निर्माण के लिए बहुतों को दास बना लिया, जिसमें उसकी इजरायली प्रजा भी थी, क्योंकि उसकी बुद्धि तो झूठे देवताओं की उपासना के कारण ही और अपनी पत्नियों के कारण ही नष्ट होती चली गई। तब कुछ समय पश्चात एलिया नबी, जो उस समय इसराइल का भविष्यवक्ता था, यहोवा का भय मानने वाला एक पुरुष था, वह राजा सुलेमान के पास यहोवा का संदेश लेकर आए और उन्होंने कहा कि तुमने राजा दाऊद के सिंहासन पर बैठकर यहोवा का अपमान किया है। और एलिया ने यह भी कहा कि तुमने राज्य को मूर्तियों से भर दिया है तथा अपनी ही प्रजा को उनके मंदिरों के निर्माण के लिए गुलाम बना लिया है। इसीलिए यहोवा की यह वाणी है कि तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। अभी दाऊद के कारण यहोवा तुमसे अभी राज्य नहीं छीन रहा, परंतु तुम्हारी मृत्यु के पश्चात सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तब भी राजा सुलेमान यह सब सुनकर नहीं माना और उसी प्रकार यहोवा के विरुद्ध में कार्य करता रहा और उसी प्रकार लोगों को गुलाम बनाकर कार्य करवाता भी रहा, और जो भी कोई उसके विरुद्ध होता वह उसे मरवा देता। इस प्रकार सुलेमान पाप करता रहा और यहोवा के विरुद्ध उसकी आज्ञाओं को तोड़ता आया, और फिर धीरे धीरे राजा सुलेमान के राज्य का पतन होता चला गया। उसका राज्य काल उसके ही विरुद्ध होता चला गया, अर्थात उसकी प्रजा फिर उसकी प्रशंसा नहीं वरन उसकी ताड़नाओं से दुखी होकर उसकी बुराई किया करती थी। जो प्रजा पहले उसका गुणगान गाती थी, वही प्रजा आज उसी के कारण सताए जाने पर उसके राज्य की दुहाई देती फिरती, दुखी रहती थी। इस प्रकार सुलेमान का फिर पतन होता चला गया और इसी कारण राजा सुलेमान के शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती गई, सब उसके विरोधी होना शुरू हो गए। तब यहोवा ने राजा सुलेमान की पीढ़ियों से राज्यकाल छीन लेने का निश्चय किया, और परंतु उन्होंने तभी उसका राज्य नहीं छीना दाऊद के कारण, क्योंकि दाऊद यहोवा की विधियों को मानने वाला और उसकी आज्ञाओं पर चलने वाला एक पुरुष था। उसके कारण यहोवा ने सुलेमान का राज्य उसी घड़ी समाप्त नहीं किया, परंतु उसके वंश से राज्य छीन लेने का यहोवा ने फिर निर्णय लिया, और यहोवा ने यरोबाम, जो एक इजरायली पुरुष था, उसे वह राज्य भार यहोवा ने सौंपने के विषय एलिया नबी पर फिर प्रकट किया। तब इस प्रकार सुलेमान के वंश से उसके बुरे चाल चलन के कारण उसका राज्य छिनता गया। तब एक रोज राजा सुलेमान को ऐसा सब जानकर कि यहोवा का अनुग्रह और उसकी दया उसके वंश से अब हट गई है, वह पछताया और बहुत उदास हुआ। जब उसे इस सब का एहसास हुआ, तब वह सोचने लगा कि उसने अपने जीवन काल में कितना बुरा बुरा किया है, बहुत सी हत्याएं भी करवाई हैं, अपने राज्य की प्रजा को ही झूठे देवताओं के कार्य करने के लिए उसने गुलाम बना लिया। इसी कारण उसके वंश से यह सब दूर हो गया। वह उस घड़ी खुद को दोषी मानने लगा, जब उसे इस सब का अर्थात अपने बुरे कार्यों का, जो उसने घमंड में आकर पाप में गिर कर की थी, एहसास हुआ। तब इस प्रकार 40 वर्ष तक अपने जीवन काल में राज्य कार्य को पूरा कर सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया, अर्थात मर गया। हालेलुया। यह राजा सुलेमान के पूरे चरित्र
तथा उसकी पूरी कहानी को जानकर हम यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार राजा सुलेमान ने यहोवा से बुद्धि का वरदान प्राप्त किया तथा अपने पिता दाऊद के राज्य में राजा बनकर कीर्ति भी पाई तथा यहोवा के एक भव्य मंदिर का उसने निर्माण भी किया, जिसका वर्णन बाइबल में विस्तार से है और नीति वचन भी उसने लिखे। परंतु इन सब के पश्चात भी उसने यह गलतियां की कि उसने अन्य जातियों की स्त्री से विवाह किया तथा उनके देवी देवताओं के मंदिर इज़राइल में, जो यहोवा की उपासना का एक स्थान था, वहां बनवा दिए। अर्थात उसने यहोवा की सभी आज्ञाओं को तोड़ा, उसके विरुद्ध वहां उसने गलतियां की, जिस कारण उसका तथा उसके वंश के राज्य का फिर पतन होता चला गया। राजा सुलेमान इसराइली होते हुए भी अन्य जातियों में जा मिला तथा यहोवा की सभी आज्ञाओं को तोड़ता गया, अर्थात यहोवा से दूर होता गया। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर ने उसके पिता दाऊद के कारण सुलेमान का राज्य तुरंत ही उसी घड़ी नहीं छीन लिया, परंतु सुलेमान के कारण उसके पुत्रों पर श्राप आया और दाऊद के कारण उसके पुत्र सुलेमान पर यहोवा ने दया की। तो यहाँ यह हम सीखें कि पाप का दंड तुरंत नहीं मिलता, परंतु वह हमारी पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमें सही रीति से परमेश्वर के मार्गों पर, उसकी आज्ञाओं पर चलना चाहिए कि हम भी आशीषित हों और हमारा वंश भी। राजा सुलेमान ने अन्य जातियों की स्त्रियों से प्रेम विवाह किया, यह उसकी एक भारी गलती थी। इसी कारण वह भी उनके देवताओं की उपासना में लग गया, जबकि वह इजरायली था, यहोवा को मानने वाला था, फिर भी वह पाप में गिरता गया। इसीलिए आज मसीहों को अन्य जातियों में विवाह करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ऐसा करके फिर वह धीरे धीरे नाश होते जाते हैं और अपना उद्धार खो देते हैं, जिस प्रकार सुलेमान का पतन होता गया और उसके वंश का भी फिर नाश हुआ। इसी प्रकार हमें इस कहानी से और सुलेमान के चरित्र से यह सीखना होगा कि जब उसने यहोवा से उत्तम वरदान प्राप्त किए और यहोवा ने उसे यह आज्ञा भी दी कि यदि तू मेरे मार्गों पर चलता रहेगा तो यह वरदान तुझसे कभी ना छीनेंगे और तेरी धन संपत्ति भी कभी कम ना होगी, तो सुलेमान को समझ लेना चाहिए था कि उसे जीवन भर यहोवा की आज्ञाओं पर और उसके कार्यों पर चलना चाहिए। परंतु एक स्त्री प्रेम विवाह के कारण ही उसने अपना राज्यकाल, अपने वंश का नाश किया और खो दिया और यहोवा की आज्ञाओं को तोड़ता चला गया, जबकि वह इसराइल का सबसे बुद्धिमान राजा गिना गया। परंतु आप उसका अंत देख सकते हैं। सुलेमान एक उदाहरण है आज हमारे लिए, हमें हमारे सीखने के लिए कि जब यहोवा का अनुग्रह और दया हम पर होती है और वह हमें दान वरदानों और आशीषों से भरता है, तो हमें उसका आदर करना चाहिए, ना कि हमें उन सब आज्ञाओं को तोड़ते हुए यहोवा के क्रोध का कारण हमें बनना चाहिए। ऐसा हमें नहीं करना। यह एक उदाहरण है हमें सही रीति से चलने के लिए, यहोवा के सम्मुख आने के लिए और उसकी आज्ञाओं में बने रहने के लिए। यहोवा आज हमें सिखाते हैं कि जिस प्रकार सुलेमान की कीर्ति और वैभव और बुद्धिमत्ता पूरे राज्य में थी और उसके बावजूद भी उसने एक गलती के कारण अपना राज्यकाल नष्ट कर दिया, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। परमेश्वर आज हमें यही सिखाता है। हालेलुया। आशा करती हूँ सुलेमान की कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।